साथियों, बात करते हैं श्रीलंका का, भारत का एक और पड़ोसी देश। काफी पुराने संबंध है श्रीलंका से। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिला 1948 में, तकरीबन एक वर्ष भारत के बाद। और घनिष्ठ संबंध होने का कारण यह भी है कि वहां के भाषा, धर्म, तौर तरीके, बहुत कुछ हमारे देशवासियों से मिलता है। और श्रीलंका चूंकि एक द्वीप है और भारत से सबसे नजदीक है, 25 से 30 किलोमीटर का ही बीच में पाम नामक स्टेट है जो समुद्र पड़ता है। इसके अलावा उसके पास और कोई निकटतम देश नहीं है जहां के साथ वह व्यापार कर सके। और दूसरा कारण है भारत के लिए कि श्रीलंका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक देश है जिसपे बहुतों की आंखें पड़ी। चीन का है जिसकी हम चर्चा करेंगे, अमेरिका का भी रहा है, कोशिश रही है उसकी हाल फिलहाल में, उसका यूएसएसआर के साथ भी अच्छा संबंध रहा है। सब के सब उसके साथ, चूंकि भारत के दक्षिण से जो इंडियन ओशन है, इस कारण भी उसकी खास महत्व होता है। वहां के जो भी पोर्ट हैं, समुद्री पोर्ट हैं, विश्व के 25 पोर्ट में से तकरीबन आ जाते हैं जिसका इस्तेमाल हो सकता है। ट्रिंकोमाली एक नेचुरल डेप्थ वाली पोर्ट है जो कि विश्व में ऐसे 5-6 ही ऐसे मिलेंगे जिन जिनमें श्रीलंका का भी एक स्थान आता है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिन्हालिस हैं, 80% हैं, तमिलियंस कम हैं, 15 से 18% के बीच में ही आएंगे, उससे भी कम हैं। और इनका मुख्य रूप से जो भारत से सटे हुए क्षेत्र हैं, यानी उत्तरी उत्तरी पश्चिमी इलाके में, वहीं पे हैं। और दुर्भाग्यवश कई जगहों में होता, कई दुनिया कई देशों में होता है, श्रीलंका स्वतंत्र होने के बाद से इसने जो अपनी नीति बनाई उसमें तमिलियन के खिलाफ इनका अच्छा व्यवहार नहीं रहा। और पिछले शताब्दी के 2-3 दशक पहले तक LTTE का शुरुआत हुआ, प्रभाकरण नामक उसके नेता थे, आपको पता होगा। और इसके कारण वहां पे गृह युद्ध चला जो कि करीब 3 दशक चला। श्रीलंका पर काफी दबाव भी आया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया कि तुमने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया। अमेरिका को आगे होना था, वह यूएनओ में भी ले गया। भारत ने अमेरिका का साथ दिया, श्रीलंका का साथ नहीं दिया, यह गलत चीज हुआ। हालांकि एलटीटी को दबाने में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने पूरी मदद की। IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी गए और उसको दबाने में श्रीलंकन आर्मी की इन्होंने मदद की। बल्कि यूं कहें कि हम खुद ही LTTE से लड़ गए, जिसके कारण राजीव गांधी को भी अपने जान गंवाने पड़े। खैर, अभी हाल फिलहाल की चर्चा करता हूं, पहले की तो पुरानी बातें हैं। भारत जिसका हिस्सा है उसमें श्रीलंका भी कई जगह है, सार्क है, बिस्मटेक है, और भी कई हैं जिसमें श्रीलंका उसका हिस्सा बनता है। श्रीलंका और भारत में अच्छा खासा ट्रेड है, बल्कि यूं कहें कि भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है पूरे वर्ल्ड में। और श्रीलंका काफी आश्रित रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से जिस तरह से चीनी पूंजी बढ़ रहा है हर जगह, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, और चूंकि आसान किस्तों पे, आसान शर्तों पे, कुछ कम इंटरेस्ट रेट पे वर्ल्ड बैंक की तुलना करें तो चीनी पूंजी उपलब्ध है। श्रीलंका भी वहां है। श्रीलंका ने काफी भारी मात्रा में बिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर उससे लोन लिए हैं। चीन बाय द वे वर्ल्ड बैंक के बाद ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से आगे निकल चुका है निवेश पूंजी के मामले में।
इसीलिए तो अमेरिका और उसके जितने सहयोगी हैं, साम्राज्यवादी देश, बहुत ही बेचैन है चीनियों के बढ़ते हुए कदम से। खैर, हम श्रीलंका पे आते हैं। और श्रीलंका में एक पोर्ट है जहां चीनी उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत ही माहिर हैं। इन्होंने म्यांमार में भी लिया है, श्रीलंका में लिया, पाकिस्तान में लिया है। पर्ल ऑफ रिंग्स हमारे लोग कहते हैं, यानी वह भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, दूसरे तरीके के नाम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो अफगानिस्तान में भी आएगा, पाकिस्तान में है, बर्मा में है, हर जगह वो जा रहे हैं। और इस बेचैनी का नतीजा है कि भारत, जो बड़े अच्छे संबंध चीन के साथ था पिछले साल, लड़ाइयां वगैरह करके, नोकझोंक करके, जो भी हुआ, अमेरिकी खेमे में हम जा चुके हैं। श्रीलंका जब यह पोर्ट शुरू में उसने भारत को दिया था, और भारत जिस कारण से भी देरी की, जैसे भी हुआ, उसने उसे निकाल के फिर चीन को दे दिया। और जब श्रीलंका को लोन की जरूरत पड़ी, चीन के लोन को चुकता करने के लिए, वर्ल्ड बैंक को चुकता करने के लिए, रिजर्व फंड जमा करने के लिए, जिससे वो बाहर से अपना आयात कर सके, उसका निर्यात भारी में उसके निर्यात में भारी कमी आ गई है, कारण कोरोना वायरस है, टूरिज्म तकरीबन ठप है, और जो भी कपड़े और चाय के बागान वगैरह थे वो बहुत बुरे हालत में, तो भारत ने यह मदद करने से मना कर दिया। चीन से ले रहा था, आप मेरा पिछला दो चार या दस दिन पहले की बात है, या दो हफ्ते की बात है, जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, बांग्लादेश ने श्रीलंका को लोन दिया काफी सस्ते किफायती दर पे, और इस तरह से भारत का और भी आगे यह संबंध वहां गड़बड़ाने का अवसर है। वैसे अभी मैं जो खबर बता रहा हूं, पिछले हफ्ते या दो हफ्तों से आ रहा है कि श्रीलंका फिर से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। उसने यहां भी लिख कर दिया है कि जो पोर्ट चीन डेवलप कर रहा है, जो लीज पर चीन ले चुका है 99 वर्षों के लिए, उसका इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ नहीं करने देगा, सैन्य और सामरिक जो भी कारण। लेकिन साथियों, यह सच्चाई यही है कि हमारे संबंध भारत के कहने के बावजूद कि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी है, हम इसमें गड़बड़ी कर चुके हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, सबके साथ तो हमने संबंध खराब कर लिया। अफगानिस्तान, साउथ एशिया का तो यह स्थिति है, सेंट्रल एशिया से भी जाएं तो यही स्थिति है। एशियान से हमारे कोई संबंध बड़े अच्छे नहीं बने, पाकिस्तान भले ही उसमें उसका बड़ा हिस्सेदार ना। उम्मीद करता हूं कि श्रीलंका के इस पहल को भारत सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, बिना लाग लपेट के, बिना कुछ रिटोरिक या जिंगोइज्म का, जो कि हमारी मजबूरी हो गई, जो कि हमारे अंदरूनी हालात ऐसे हो गए कि जहां की आज की सरकार जनता का साथ लेने के लिए धर्म, जाति और देशवाद के अलावा कुछ नहीं कर सकती, ना हमें रोजगार दे सकती है, ना ही आर्थिक विकास हो रहा है, ना ही शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य है, लेकिन इसका असर विदेशी या विदेश नीति पर पड़ रहा है। मुश्किल है संभालना साथियों, लेकिन संभव है। वास्तव में तो ये होगा कि हम ऐसी सरकार लाएं जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। ऐसे हालत में हमारी विदेश नीति पर अंतर पड़ेगा। पहले घर को संभालो, उसके बाद से विदेश नीति देखो, या विदेश नीति सही करने की तमन्ना है तो फिर घर को संभालो। दोनों आपस में संबंधित है। और उम्मीद करता हूं कि श्रीलंका भी, जो उसकी अभी छटपटाहट चल रही है, उसकी जो आर्थिक बेचैनी है, वह भी बढ़े। उसे बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए, वह भी हमारा पड़ोसी देश है। धन्यवाद साथियों।